है, पॉसिबल कंडीशन क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन क्या है और रिजेक्टेड कंडीशन क्या है। और कंडीशनल सेंटेंस हमेशा इफ से शुरू होता है, किससे भी, इफ से। उसके बाद क्या है, पॉसिबल कंडीशन में 100% आपका काम होगा, ऐसी कंडीशन होगी जो 100% पूरी हो सकती है। उसके बाद इम्पॉसिबल कंडीशन वो होगी जिसमें आपका 1 से 10% का चांस हो, ना के बराबर चांस हो, ना के बराबर चांस हो, जो हो भी सकती है या फिर नहीं भी। उसके बाद रिजेक्टेड कंडीशन, जो अब नहीं हो सकती, पहले हो सकती थी, जिसका कोई अब मोल नहीं है। रिजेक्टेड कंडीशन का मतलब है अब काम जो रिजेक्ट हो चुका है उसको कहते हैं क्या, रिजेक्टेड कंडीशन, जो कंडीशन आपकी रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद क्या है, अब यहां पर देखते हैं सर, पॉसिबल कंडीशन का रूल क्या है, इम्पॉसिबल का क्या है और रिजेक्टेड कंडीशन का रूल क्या है, इधर ध्यान दीजिए। विद एग्जाम्पल देखेंगे सर, ये कंडीशन एक्चुअली में है क्या चीज। मैं किस पर बात कर रहा हूं यहां पर, कंडीशनल सेंटेंस।